नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 जुलाई दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। आज है सावन का पहला सोमवार। इस दिन से ऑनलाइन दर्ज होगी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति। जलाशय मात्सी की विकास योजना के लिए इस दिन तक करें आवेदन। बिहार पुलिस ने जुआ खेलने वाले इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का भेजा प्रस्ताव। आज है भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर का 74वां जन्मदिन। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ICMR NIMR में 79 पदों पर भर्ती। ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया एंड रिसर्च के द्वारा 79 टेक्निकल असिस्टेंट टेक्नीशियन और लैब अटेंडेंट के पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। बता दें, इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। भर्ती में अप्लाई करने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट nimr.org.in के जरिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन फॉर्म भरकर उसका प्रिंटआउट लेना होगा और लिफाफे के ऊपर पद का नाम व उसके नीचे पता लिखकर भेजना होगा। आवेदन पत्र को डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया एंड रिसर्च सेक्टर 8 द्वारका नई दिल्ली 110077 पर भेजना होगा। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इससे संबंधित क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा किया होना अनिवार्य है। वहीं टेक्नीशियन के लिए साइंस विषय के साथ 12वीं पास होना और साथ ही कंप्यूटर में डिप्लोमा या DMLT होना अनिवार्य है। इसके अलावा लैब अटेंडेंट के लिए 10वीं पास और उम्मीदवार के पास इस क्षेत्र में 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। आज है सावन का पहला सोमवार। 4 जुलाई से सावन की शुरुआत हो चुकी है। वहीं आज यानी कि 10 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है। बता दें कि इस पूरे महीने में हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना भगवान शिव का महीना होता है। मालूम हो कि सावन का महीना 58 दिनों के लिए है। ऐसे में 31 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा। बता दें कि इस बार सावन में कुल 8 सोमवार होने वाले हैं, जो कि 10 जुलाई यानी कि आज, 17 जुलाई, 24 जुलाई, 31 जुलाई, 7 अगस्त, 14 अगस्त, 21 अगस्त और 28 अगस्त है। हालांकि इस बीच मलमास 18 जुलाई से आरंभ होकर 16 अगस्त तक रहेगा। ऐसे में इन दिनों में पड़ने वाले सोमवार व्रत मान्य नहीं होंगे। बता दें कि आज 10 जुलाई को पंचक भी रहेगा और साथ ही रेवती नक्षत्र का भी प्रभाव है। ऐसे में अगर आपके मन में रुद्राभिषेक के शुभ मुहूर्त को लेकर कोई सवाल उठते हैं तो ज्योतिषियों के अनुसार सावन में कभी भी पंचक या भद्राकाल लगता है तो समय में पूजा पाठ करने पर कोई रोक नहीं होती। इसका कारण यह है कि भगवान शिव कालों के काल महाकाल है और सभी ग्रह नक्षत्र उनके अधीन है। इसलिए आप पूरे दिन निश्चिंत होकर व्रत और पूजा अनुष्ठान कर सकते हैं। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बना उद्योग सुविधा केंद्र। पटना में मौजूद इंदिरा भवन में उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने उद्योग सुविधा केंद्र का उद्घाटन अभी हाल में ही किया है, जहां स्टार्टअप और उसकी सपोर्ट टीम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बैठेगी। उद्घाटन के समय उद्योग मंत्री द्वारा कहा गया था कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर परसेप्शन मत बनाइए। आज सभी प्रदेशों में मेड इन बिहार प्रोडक्ट मिल रहे हैं। 11 जुलाई को दिल्ली में इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा। विभाग के अपर मुख्य संदीप पौंडिक द्वारा यह जानकारी दी गई है कि बहुत सालों से बिहार आने वाले इन्वेस्टर्स या लोग फिल्मों या टीवी के आधार पर बिहार को न देखे, प्लग एंड प्ले के तहत बिहार में 44 सेट बन रहे हैं, जहां 13 इंडस्ट्रियल एरिया है। इनमें उद्योग लगाने के लिए 4 से 8 रुपए वर्ग फुट के हिसाब से किराए पर जमीन दी जाएगी। बिहार के पर्यटन में आज हम बात करेंगे नालंदा संग्रहालय के बारे में। नालंदा संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालयों में से एक है और नालंदा महाविहार के स्थल पर पाए जाने वाले पुरावशेष है। वर्ष 1917 में स्थापित नालंदा संग्रहालय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सबसे प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालयों में से एक है। इसमें नालंदा महाविहार के उत्खनन स्थल से पाए जाने वाले पुरावशेष है, जो गुप्ता, मौखड़ी और पाला शासकों के संरक्षण में ईसाई युग की 5वीं-12वीं शताब्दी के दौरान विकसित हुए थे। बाद में नालंदा के पड़ोसी गांव से एकत्र की गई कुछ वस्तुओं और राजगीर से कुछ भी इस संग्रहालय के खजाने में जोड़े गए। वहां डिस्प्ले पर करीब 350 कलाकृतियां रखी गई है, जबकि रिजर्व कलेक्शन में 13,000 से ज्यादा रखी हुई हैं। प्रदर्शन में पत्थर की छवियां और मूर्तियां, पीतल, प्लास्टर, टेराकोटा, शिलालेख, लोहे की वस्तुएं, हाथी दांत और अस्थि वस्तुएं और मिट्टी के बर्तन आदि शामिल है, जो 4 दीर्घाओं और मुख्य हॉल में व्यवस्थित है। मुख्य हॉल पत्थर के मास्टर टुकड़े और 2 विशाल मिट्टी के भंडारण जार प्रदर्शित करता है। 12 हाथ बोधिसत्व अवलोकितेश्वर सामंत भद्र की लगभग 2 मीटर ऊंची छवि नागराज के साथ 7 नाग, हुड, चंदवा, धर्मचक्र मुद्रा में बैठे बुद्ध की एक विशाल छवि, 1 तांत्रिक देव त्रैलोक्य विजय, त्रिमुखी शिव गौरी और भूमि स्पासा मुद्रा में बैठे बुद्ध इस हॉल में नमूनों का उल्लेख करने लायक है। हॉल में केंद्रीय संस्थान में टेबल शोकेस में उत्खनन स्थल का 1 स्केल मॉडल है।
पत्रकारों के लिए बिहार सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम। बिहार सरकार ने पत्रकारों के हित में एक बड़ा कदम उठाया, जहां पत्रकारों के लिए बिहार सरकार ने बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत की। यह योजना आज से 3 साल पहले ही शुरू की जा चुकी है। इस योजना के तहत पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपए मिलेंगे। पत्रकारों से इस साल भी इस पेंशन को लेकर आवेदन मांगे जा चुके हैं। इच्छुक पत्रकार आवेदन करने के लिए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के वेबसाइट http://www.state.bihar.gov.in/PRD बिहार पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि आप आवेदन पत्र भी यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़कर अपने जिला के जिला जन संपर्क कार्यालय में 7 अगस्त शाम के 4 बजे तक जमा करना होगा। वहीं आवेदक के पात्रता की बात करें तो पत्रकार के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में कम से कम 20 साल का अनुभव होना चाहिए। आवेदक किसी अन्य पेंशन का लाभ नहीं उठा रहा हो, साथ ही पत्रकारिता का प्रमाण पत्र होने के साथ साथ 60 साल या उससे अधिक उम्र होनी चाहिए। फिल्म पॉलिसी के तहत इन शर्तों के अनुसार फिल्म निर्माताओं को मिलेगी सब्सिडी। राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार विशेष रणनीति पर काम कर रही, जिसके तहत फिल्म पॉलिसी कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बनाया जा रहा। मिली जानकारी के अनुसार इस नीति को लगभग तैयार किया जा चुका है। तैयार होने के बाद वित्त विभाग को इसकी मंजूरी के लिए फिल्म नीति का मसौदा भेजा जाना है। बता दें कि यदि कोई फिल्म निर्माता अपने फिल्म की 75% शूटिंग बिहार में करते हैं तो इस फिल्म पॉलिसी के तहत उन्हें लागत के हिसाब से सब्सिडी दी जाएगी। वहीं सिंगल विंडो सिस्टम का प्रावधान फिल्म निर्माण संबंधी सभी तरह के क्लियरेंस लेने के लिए किए गए हैं, जिसके लिए बिहार फिल्म निर्माण निगम को नोडल एजेंसी बनाया गया है। हालांकि ओटीटी प्लेटफॉर्म को लेकर स्टाफ में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हुई है। साइबर अपराधियों ने एडीजी को बनाया निशाना। बिहार में साइबर अपराध जैसी घटनाओं में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। लाख कोशिशों के बाद भी इन पर लगाम नहीं कसा जा रहा। बता दें कि अब साइबर अपराधियों ने एडीजी को भी अपना निशाना बना लिया है। दरअसल पुलिस मुख्यालय में तैनात एडीजी बच्चू सिंह मीना को साइबर अपराधियों के द्वारा फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर उनकी तस्वीर को प्रोफाइल पर लगाकर उनके दोस्तों से मैसेज भेजकर पैसे मांगने का काम किया गया है। मालूम हो कि जब इस बात की जानकारी एडीजी को लगी तब उन्होंने अपने ओरिजिनल फेसबुक अकाउंट पर सभी को आगाह करते हुए साइबर अपराधियों के करतूत की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि साइबर अपराधियों के द्वारा मेरे फेसबुक का फर्जी अकाउंट बना लिया गया है, मेरी तस्वीर भी उस पर लगा दी गई है और सभी को मैसेज कर पैसा मांगने का काम कर रहे हैं। इसलिए सभी दोस्तों से आग्रह है कि इस मैसेज पर ध्यान न दें और न ही किसी को पैसे भेजें। इसकी सूचना साइबर सेल को दे दी गई है। बता दें कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी 3-4 बार इनका फर्जी अकाउंट बनाकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जा चुका है। वहीं अब इस मामले को लेकर साइबर सेल लगातार इसकी जाँच में जुट गई है। जलाशय मात्स्य की विकास योजना के लिए इस दिन तक करें आवेदन। आईपीआरडी बिहार के द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर कर यह जानकारी दी गई है कि राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज पेन आधारित मत्स्य पालन तकनीक के द्वारा जलाशय के मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य हेतु बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसे में इच्छुक लोग 21 जुलाई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके आवेदक वही होंगे जो जलाशय के बंदोबस्तधार व्यक्तिगत रूप से समूह में होंगे। मालूम हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण एवं केज पेन आधारित मत्स्य पालन तकनीक के द्वारा जलाशय मत्स्य उत्पादकता को बढ़ाना है। इच्छुक लोग आवेदन करने के लिए fisheries.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे गंगा प्रसाद के बारे में। गंगा प्रसाद एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं जो सिक्किम राज्य और मेघालय के पूर्व राज्यपाल हैं। वह बिहार विधान परिषद के सदस्य थे और राज्य शासन के दौरान विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। बिहार में एनडीए शासन के दौरान उन्होंने बिहार विधान परिषद के नेता का पद भी संभाला। वे जनसंघ से जुड़े और आज तक उसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वह आर्य समाज के प्रबल अनुयायी हैं और उन्होंने बिहार आर्य समाज प्रतिनिधि सभा इकाई के प्रधान के रूप में कार्य किया है। राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें गंगा बाबू के नाम से जाना जाता है। वे सामाजिक रूप से काफी सक्रिय थे। वह 2 कार्यकाल के लिए अपने क्षेत्र खाजपुरा के मुखिया बने, जो अब पटना नगर निगम का हिस्सा है। गंगा प्रसाद स्वैच्छिक अंगदान को बढ़ावा देने वाली संस्था ददरीची देहदान समिति बिहार चैप्टर के अध्यक्ष थे। 30 सितंबर 2017 को प्रसाद को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नियुक्ति के बाद उन्हें मेघालय का नया राज्यपाल बनाया गया। 26 अगस्त 2018 को गंगा प्रसाद ने सिक्किम के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। बिहार पुलिस ने जुआ खेलने वाले इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने को भेजा प्रस्ताव। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को बिहार पुलिस द्वारा कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और देश की वित्तीय सुरक्षा के लिए खतरा बनी 100 से भी ज्यादा जुआ गेमिंग और ऋण देने वाले ऐप पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया गया है। वही नैयर हसनैन खान जो कि आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी है, उन्होंने बताया है कि अभी हाल में ही MEITY से संपर्क कर 100 से अधिक ऐसे ऐप पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है। यह ऐप प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 1006(9) का उल्लंघन कर रहे। ऋण देने वाले ऐसे ऐप के जरिए बहुत कम रकम उधार लेने वाले लोगों से जबरन वसूली और उत्पीड़न
कई शिकायतें मिली हैं। आगे उन्होंने कहा कि अभी हाल में ही अरवल, फुलवारी शरीफ, औरंगाबाद और जमुई में नैप और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई। आज से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू, हंगामेदार होने के आसार। बिहार की राजनीति अभी कई मुद्दों पर गरमाई हुई है। अब इसी बीच आज से बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। कुल 5 बैठकें दोनों ही सदनों में इस दौरान होने वाली है। भाजपा द्वारा किए जा रहे बहिष्कार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले सर्वदलीय बैठक में देखे जाने के बाद चर्चा तेज है कि सत्र हंगामेदार हो सकता है। इससे पहले भी भाजपा शिक्षक नियुक्ति नियमावली व अन्य मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरने की बात कह चुकी है। साथ ही सत्ता पक्ष में मौजूद लोग भी विपक्षियों से इस विरोध का जवाब देने के लिए रणनीति तैयार करेंगे। मेरी जानकारी के अनुसार इस सत्र में कई विधेयक भी पेश किए जा सकते हैं। इस मॉनसून सत्र में 10 जुलाई तक जो सत्ताधारी पक्ष में है उन विधायक दलों की बैठक होगी। साथ ही इस दिन मुख्य विपक्षी दल यानी कि भाजपा की भी बैठक बुलाई गई है। अवध बिहारी चौधरी जो कि विधानसभा अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि बैठक छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि गंभीर होता है। आज सीएम नीतीश करेंगे वन महोत्सव का शुभारंभ। आज यानी कि 10 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया जाएगा। बता दें कि इस वन महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य वनों का संरक्षण, पौधारोपण करना और लोगों को वृक्षों के प्रति जागरूक करना है। मालूम हो कि इस अवसर पर महात्मा गांधी मनरेगा से भी प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। वहीं मुखिया और वार्ड सदस्य, प्रखंड प्रमुख और पंचायत समिति सदस्य, सांसद और विधायक विधान परिषद सदस्यों द्वारा पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सकता है। बता दें कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन सुनिश्चित किया जा रहा है। मालूम हो कि इस वर्ष मनरेगा से किए जाने वाले पौधारोपण कार्य के अभियान को वन महोत्सव से गति प्रदान करते हुए 15 सितंबर 2023 तक पौधारोपण का विशेष अभियान के तौर पर कार्यान्वित किया जाएगा। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव और विभागीय सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु सूचना। आईपीआरडी बिहार के द्वारा ट्वीट कर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक सूचना दी गई है। बता दें कि बिहार सरकार के बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा व्यवसाय अनुदेशक के विभिन्न 910 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार को पद के अनुसार आईटीआई के विभिन्न ट्रेडों में पास होना अनिवार्य है। बता दें कि इसके लिए आवेदन करने की तिथि की शुरुआत 4 जुलाई 2023 से हो चुकी है। वहीं आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 अगस्त 2023 तक निर्धारित की गई है। ऐसे में इच्छुक उम्मीदवार इस विज्ञापन से संबंधित विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.btsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। इस दिन से ऑनलाइन दर्ज होगी सरकारी स्कूल के शिक्षकों की उपस्थिति। सरकारी स्कूलों के शिक्षक अब स्कूल में आने जाने में लापरवाही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब इन शिक्षकों की निगरानी अब सीधा राज्य मुख्यालय द्वारा की जाएगी। दरअसल आगामी 1 अगस्त से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी लगानी पड़ेगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाते वक्त एग्जिट करके ही जाना होगा। आने और जाने की दोनों की एंट्री का लिंक आधे घंटे तक खुला रहेगा। मिली जानकारी के अनुसार यह सिस्टम लाइव लोकेशन के आधार पर ही काम कर पाएगा। यानी यदि स्कूल परिसर के बाहर रहकर कोई भी शिक्षक अपने आने जाने की हाजिरी नहीं लगा पाएंगे, यदि समानुसार कोई शिक्षक अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करवा पाए तो वे शिक्षक अनुपस्थित ही माने जाएंगे। इस बात की जानकारी डीईओ अजय कुमार सिंह द्वारा दी गई है। आगे उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से कहा गया है कि अगस्त से शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन बनेगी। सभी शिक्षकों को मोबाइल ई शिक्षा कोर्स ऐप डाउनलोड करने को कहा गया है। बिहार में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी। बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। बता दें कि आईएमडी बिहार के द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी कि 10 जुलाई को राज्य के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना जताई गई है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया और सीतामढ़ी जैसे जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं अगर कल यानी कि 11 जुलाई के मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो राज्य के अधिकांश जिलों में एक या दो स्थानों में वज्रपात के साथ मेघ गर्जन होने की संभावना है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में एक दो स्थानों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा किशनगंज, अररिया एवं पूर्णिया जिलों में एक दो स्थानों में अति भारी बारिश की संभावना जताते हुए आईएमडी बिहार की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वंदे भारत ट्रेन का होगा अब केसरिया रंग। अब तक वंदे भारत ट्रेन के 27 रैक तैयार किए जा चुके हैं। अब तक यह ट्रेन ब्लू रंग में ही आया था, लेकिन अब जो वंदे भारत ट्रेन का 28वां रैक आएगा उसका रंग केसरिया होगा। बता दें कि इस बात की जानकारी रेलवे अधिकारियों द्वारा दी गई है। अभी हाल में इस कोच को रेल मंत्री भी इंटीग्रल फैक्ट्री में देखने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने वंदे भारत ट्रेन के उत्पादन का निरीक्षण किया। साथ ही आगे उन्होंने बताया कि हमारे स्वदेशी ट्रेन की 28वीं रैक का रंग बदल चुका है, जो भारतीय तिरंगे से प्रेरित है। यह केसरिया है। देश में अब तक कुल 25 वंदे भारत ट्रेनों को चलाया जा चुका है। दो रैक को रिजर्व रखा गया है। बता दें कि जब रेल मंत्री ट्रेन के उत्पादन निरीक्षण के लिए फैक्ट्री पहुंचे थे, तब उनके साथ कई फैक्ट्री के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद दिखे।
मैट्रिक पास मेधावी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग में 1.5 घंटे की होगी क्लास। मैट्रिक में उत्तीर्ण हुए मेधावी विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग की तैयारी बिहार बोर्ड द्वारा जोरों शोरों से चल रही। इस निःशुल्क कोचिंग में एक क्लास पूरे 1.5 घंटे का चलेगा और हर रोज 3 क्लासेस ली जाएगी। इस निःशुल्क कोचिंग में JEE और मेडिकल की परीक्षा की तैयारी कर छात्रों को पढ़ाया जाएगा। कोचिंग में एक से बढ़कर एक शिक्षक मिले, इसके लिए बिहार बोर्ड द्वारा शिक्षकों के आवेदन की तिथि को भी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। शिक्षक 13 जुलाई को साक्षात्कार के लिए पहुंचेंगे, उसके बाद डेमो क्लास का आयोजन 17 जुलाई तक होगा। इन प्रक्रियाओं के बाद ही शिक्षकों का चयन होगा। हर विषय के लिए 3 से 4 शिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। यदि आगामी 2 साल तक शिक्षकों का प्रदर्शन बेहतर रहा तो उन्हें आगे भी रखा जा सकता है। लालू और तेजस्वी दिल्ली से पहुंचे पटना। बीते दिन राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंच चुके हैं। बता दें कि तेजस्वी यादव बीते 15 दिन से विदेश दौरे पर थे। वहीं बीते दिन इन दोनों का स्वागत राजद नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पटना एयरपोर्ट पर किया गया। मालूम हो कि लालू यादव 6 जुलाई को अपने रूटीन चेकअप के लिए दिल्ली गए थे। वहीं अब वह अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। वहीं अब लालू यादव 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाले विपक्षी दलों की दूसरी बैठक में भी शामिल हो सकते हैं। मालूम हो कि दिल्ली रवाना होने के दौरान लालू यादव के द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया था और अपने अंदाज में नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने की बात कही गई थी। विपक्षी दलों की एकजुटता पर वशिष्ठ नारायण सिंह का दावा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोशिश के बाद विपक्षी दलों की पहली बैठक बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को पूरी हो चुकी है। वहीं अब इसकी अगली बैठक बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को होने वाली है। ऐसे में इस पर जदयू के राज्यसभा सांसद और नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह के द्वारा इस बैठक को लेकर एक दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने ऐतिहासिक काम किया है, विभिन्न क्षेत्रों के विपक्षी दल के नेताओं को एक मंच पर इकट्ठा करने में सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी धुन के पक्के हैं। बिहार की धरती से जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम शुरू है उसे वह अंतिम मुकाम तक पहुंचाकर रहेंगे। बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव मिलकर महागठबंधन को चला रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में महागठबंधन की सरकार अच्छे ढंग से चल रही है और विपक्षी दलों की बैठक को लेकर महागठबंधन को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का देश के इतिहास, संविधान और विरासत के साथ जो रवैया है वह देश के लिए चिंता का विषय है। विपक्षी दलों की बैठक में सभी दलों के द्वारा अपनी चिंता जाहिर की गई। अब आगे बैठक पर सब कुछ निर्धारित है। एनडीए में शामिल होने को लेकर चिराग पासवान का बयान। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। एक तरफ जहां बीते दिन चिराग पासवान से मिलने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पर पहुंचे थे, तो वहीं अब चिराग पासवान देश की राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कई बार पूछा गया कि आप किसके साथ गठबंधन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस सवाल पर मैंने हमेशा अपनी मर्यादा बनाए रखी है। पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने मुझे गठबंधन करने के मुद्दे पर कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया है। इस मुद्दे पर एक पार्टी पदाधिकारी से लंबी बात हुई, आगे भी कुछ एक बैठक होगी। तब तक गठबंधन को लेकर कुछ भी बात सार्वजनिक करना सही नहीं है, इसलिए अभी मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना उसे तोड़ने के बराबर है। सभी लोग जानते हैं कि LGPR समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती है। पिछले उपचुनाव में भी हमने बीजेपी का साथ दिया था। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से भी कई विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन मैं फिर भी एक बार फिर दोहराता हूं कि जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मुहर इस पर नहीं लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज है भारतीय क्रिकेट के लिटिल मास्टर का 74वां जन्मदिन। आज यानी कि 10 जुलाई को भारतीय क्रिकेट टीम के लिटिल मास्टर कहे जाने वाले सुनील गावस्कर का 74वां जन्मदिन है। बता दें कि उन्हें लिटिल मास्टर उनके क्रिकेट से जुड़े रिकॉर्ड को लेकर कहा जाता है। वह दुनिया के पहले बल्लेबाज हैं जिन्होंने टेस्ट मैच में 10,000 रन बनाए थे। मालूम हो कि सुनील गावस्कर ने 125 टेस्ट मैचों में 34 शतक और 45 अर्धशतक के साथ 10,122 रन बनाए। उन्होंने 108 वनडे मैचों में 1 शतक और 27 अर्धशतक के साथ 3,092 रन बनाए। वनडे मैचों में उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रनों का रहा। इसके अलावा सुनील गावस्कर के द्वारा प्रथम श्रेणी में 81 शतकों सहित 25,834 रन बनाए गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुनील गावस्कर न सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया के सबसे महान ओपनर्स में से एक रहे हैं। भारत के इतिहास में आज की तारीख है कई कारणों से दर्ज। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह 1246 में दिल्ली की गद्दी पर आसन हुआ। भारत में ब्रिटिश सरकार ने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मुंबई में जन्म 1949 में हुआ। उनके नाम 125 टेस्ट में 34 शतकों के साथ 10,122 रन है। 108 वनडे में उन्होंने 3,092 रन बनाए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाओं के पहले NCC कॉलेज की शुरुआत 1965 में हुई। वायुसेना के लड़ाकू विमान मिग का 1966 में महाराष्ट्र के नासिक जिले से निर्माण शुरू हुआ। मुंबई के मडगांव बंदरगाह से पूर्ण वातानुकूलित पोत हर्षवर्धन का 1972 में जलावतरण हुआ। भारत ने 1986 में इंग्लैंड को 5 विकेट से हराकर पहली बार लॉर्ड्स में टेस्ट मैच जीता था।
फिजी में नए संविधान की मंजूरी के साथ भारतीय समुदाय को 1997 में राजनीतिक अधिकार मिला। भारत और श्रीलंका में शिक्षा व सामुदायिक विकास से संबंध दो समझौते पर 2005 में हस्ताक्षर हुआ। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक सलमान रुश्दी का 2008 में बेस्ट ऑफ बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया। 54वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ने 2008 को लगे रहो मुन्ना भाई को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया। अमरनाथ यात्रा पर 2017 में हमला हुआ जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई। भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और असम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई का जन्म 1890 में हुआ था। भारत की प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका परवीन सुल्ताना का जन्म 1950 में हुआ। प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 1951 में हुआ। भारत के एथलीट देवेंद्र झाझड़िया का जन्म 1981 में हुआ था। भारतीय फिल्म अभिनेता आलोक नाथ का जन्म 1956 में हुआ। भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार भिखारी ठाकुर का निधन 1971 में हुआ। वेलकम, आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि समग्र शिक्षा अभियान की आधिकारिक वेबसाइट बताकर एक फर्जी वेबसाइट https://samagrashiksha.org विभिन्न पदों पर नौकरी देने का दावा कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि वेबसाइट सरकार से संबद्ध नहीं है। भारत की प्रमाणिक जानकारी के लिए https://samagra.education.gov.in पर जाएं। व्हाट्सएप अपने यूजर इंटरफेस में कर रहा बड़ा बदलाव। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि व्हाट्सएप रीडिजाइन किए गए स्विच और फ्लोटिंग एक्शन बटन पेश करके एक नया एडिटेड इंटरफेस जारी कर रहा है। रिपोर्ट से पता चला है कि मटेरियल डिजाइन 3 नियमों के साथ ऐप को फिर से डिजाइन करने की उनकी परियोजना का हिस्सा है। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो द्वारा दिए गए जानकारी के अनुसार ये डायलॉग एक दूसरे से अलग है। पिछले अपडेट में व्हाट्सएप में अलर्ट के लिए एक स्टैंडर्ड इंटरफेस था। डब्ल्यू ए बीटा इन्फो ने कहा कि यह डिजाइन यूजर इंटरफेस को भी बेहतर बनाता है। व्हाट्सएप ने एंड्रॉइड यूजर्स के लिए नया फीचर रोल आउट करना शुरू कर दिया है। फीचर में यूजर्स को इमोजी बार को स्क्रॉल अप कर सकते हैं, इससे यूजर्स को वाइड व्यू मिलेगा। इसके साथ ही इमोजी स्ट्रीकर और अवतार के लिए अलग अलग टैब दिया गया है। नए फीचर के साथ यूजर्स व्हाट्सएप के इमोजी बार को ऊपर की ओर स्क्रॉल कर पाएंगे जिससे उन्हें वाइड व्यू मिलेगा, जिसके साथ ही यूजर्स को GIF स्टिकर्स और अवतार सेक्शन के लिए अलग अलग टैब मिलेंगे। पावरफुल वीडियो के साथ OMG 2 के टीजर डेट का ऐलान। बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने आने वाली कॉमेडी ड्रामा फिल्म OMG 2 में अपने किरदार का एक दिलचस्प वीडियो शेयर किया है। बता दें कि शेयर किए गए इस वीडियो में यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि OMG 2 का टीजर इसी हफ्ते रिलीज होने वाला है। वहीं वीडियो में अक्षय कुमार अपने माथे पर राख नीले रंग का पेंट और गले में मोतियों का हार और घुटनों तक लंबी जटाएं लगाए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए लोगों के भीड़ के बीच से गुजरते नजर आ रहे हैं। बता दें कि वीडियो शेयर करने के साथ ही अक्षय कुमार के द्वारा कैप्शन में लिखा गया है कि OMG 2 का टीजर 11 जुलाई को रिलीज होगा, वहीं 11 अगस्त को सिनेमा घरों में। बता दें कि इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ यामी गौतम और पंकज त्रिपाठी भी नजर आने वाले हैं। वहीं अक्षय कुमार के द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो को उनके फैंस के द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है और साथ ही खूब कमेंट भी किए जा रहे हैं। उनके इस पोस्ट पर अस्मिता सट्टी, हुमा कुरैशी, सिंगर हंसराज रघुवंशी के द्वारा भी रिएक्ट किया गया है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है विनयराज, कल्याणी चौधरी, पंचम वर्मा, मृत्युंजय कुमार, रंजीत मिश्रा, गायत्री कुमारी, कमलेश शर्मा, श्रवण कुमार रॉय, शंकर मुखिया, मंटू कुमार, अनवर करीम खान, राजकिशोर महतो, रघुनंदन कुमार, धीरेन्द्र कुमार ऋषिदेव, पंकज कुमार दास, बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार पुलिस ने जुआ खेलने वाले ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने का जो प्रस्ताव भेजा है वह आपके अनुसार कितना सही है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देखें चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।